ब्रेकिंग मिस्टेक्स। जी हाँ दोस्तों, बाइक में ज़्यादातर जो क्रैश होता है वो हमारे गलत तरीके से ब्रेक दबाने की वजह से होता है। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ऐसे कुछ ब्रेकिंग मिस्टेक्स के बारे में जो खास करके बिगिनर लोग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे ताकि आप लोगों को जो है ब्रेकिंग के बारे में कन्फ्यूज़न जो है एकदम बिल्कुल ही दूर हो जाए और बेहतर तरीके से आप बाइक में ब्रेक अप्लाई कर सको, चाहे वो इमरजेंसी में हो, चाहे वो जब आप टर्न ले रहे हो, कॉर्नरिंग कर रहे हो, हर तरह के सिचुएशन में। सो चलिए दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिलन माझी, एक बार फिर से वेलकम करता हूं माझी मोटो ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बाइक राइडिंग से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल में रेगुलरली आता रहता है, बाइक मेंटेनेंस, बाइक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ भी हमारे चैनल में आता रहता है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। बहुत सारे जो राइडर है, जो बिगिनर है खास करके, या फिर कुछ लोग जो है जो एक्चुअल में डर डर के बाइक चलाते हैं, वो लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि फ्रंट ब्रेक को कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्रंट ब्रेक जो है बहुत ही डेंजरस होता है। दोस्तों डेंजरस तो होता है, लेकिन बाइक में अगर फ्रंट ब्रेक दिया गया है तो उसका यूज़ भी हमें करना चाहिए। इस तरीके का बात दोस्तों कौन लोग करते हैं जिसको जो है फ्रंट ब्रेक यूज़ करने का तरीका नहीं पता होता है, या फिर जो है वो डरते हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं, अगर आप सही तरीके से यूज़ करोगे फ्रंट ब्रेक से बढ़िया ब्रेक आपको लगेगा ही नहीं। आप रियर ब्रेक को यूज़ करना ही भूल जाओगे अगर सही तरीके से फ्रंट ब्रेक को यूज़ करना सीख जाते हो। देखिए दोस्तों, जो रियर ब्रेक होता है ना वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रियर ब्रेक को कस के दबाते हो एंड उसके बाद अगर हुई लॉक होकर आप गिरते हो तो वो जो क्रैश होता है वो अपर साइड क्रैश होता है, मतलब आप एकदम उछल जाओगे ऊपर की तरफ एंड बहुत दूर जाके गिरोगे, ठीक है। और जब आप मतलब फ्रंट ब्रेक को अगर आप कस के गलती से दबा देते हो एंड आपका बाइक क्रैश होता है तो वो लोअर साइड क्रैश होता है, मतलब आप नीचे की तरफ गिरोगे, जो कि कंपैरेटिवली उतना डेंजरस नहीं है। तो बेटर होता है ज़्यादातर कोई सिचुएशन में जो है आपको कॉम्बी ब्रेक यूज़ करना। सो ये गलत धारणा जो है दोस्तों आज से ही दूर कर दो, आपको फ्रंट ब्रेक यूज़ करना है। और इमरजेंसी सिचुएशन में फ्रंट ब्रेक किस तरीके से यूज़ करना है, हाई स्पीड में किस तरीके से फ्रंट ब्रेक यूज़ करना है, उसके बारे में डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल में दिया हुआ है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। दोस्तों सेकेंड जो मिस्टेक हम लोग करते हैं वो है कि सडन ब्रेकिंग। हम लोग जो ब्रेक लीवर है उसको सडन ही एकदम कस के दबा देते हैं, खास करके जो बिगिनर लोग हैं डर के मारे बाइक को रोकने के लिए कहीं किसी भी सिचुएशन में वो सडन ब्रेक कर देते हैं। तो ये जो है दोस्तों बहुत बड़ी गलती है, कभी भी आपको सडन ब्रेकिंग नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको जब आप बाइक सीख रहे हो पहले से आपको ब्रेक को जो है स्क्वीज़ करना सीखना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग यूज़ करना पड़ेगा। ब्रेक को एक परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके स्क्वीज़ करना होता है। जैसे आप एक नींबू को निचोड़ रहे हो, नींबू को एक स्क्वीज़ कर रहे हो, जिस तरीके से आप नींबू को स्क्वीज़ करते हो उसी तरीके से जो है आपको फ्रंट ब्रेक स्क्वीज़ करके आपको ब्रेक अप्लाई करना है। चलिए मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। सो ये देखिए, अभी मैं फ्रंट ब्रेक यूज़ करूँगा, अभी 60 के स्पीड में है। तो ये देखो, स्क्वीज़ करो एंड जितना अंदर तक जाएगा उतना प्रेशर आपको बढ़ाना है, ठीक है। मतलब पहले जो है आपको थोड़ा सा 10%, फिर 20%, फिर 40%, फिर 60%, इस तरीके से आपको ब्रेक को स्क्वीज़ करना है, ना कि एकदम सडन जो है आप एकदम पूरा का पूरा दबा के कस दो। इससे जो है आप डेफिनेटली दोस्तों गिर जाओगे, खास करके अगर आपके बाइक में ABS ना हो तो ये तो और भी ज़्यादा डेंजरस है। सो अगली गलती जो हम लोग करते हैं दोस्तों, जो बिगिनर है खास करके, वो करते हैं कि थ्रॉटल को डाउन नहीं करते, थ्रॉटल को रोल ऑफ नहीं करते एंड ब्रेक को यूज़ करते। मान लो कि हमारा बाइक जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में है, 70 के स्पीड में है, ठीक है, और हमने क्या किया, हम थ्रॉटल को रोल ऑफ ही नहीं किए और फिर जो हम ब्रेक करने गए तो ये क्या होगा, ब्रेक के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, ठीक है। और एक तो इंजन जो है आगे आगे की तरफ बाइक को पुश करने की कोशिश करेगा क्योंकि आपने जो है थ्रॉटल को रोल ऑफ नहीं किया है एंड उसके साथ साथ ब्रेक दबा रहे हो तो डिस्क ब्रेक के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, बहुत हीट होगा, जिसके वजह से क्या होगा, ब्रेक जो है उतना इफेक्टिवली नहीं लगेगा, आप जो है बहुत दूर जाके रुकोगे। सो इसी वजह से दोस्तों इंजन ब्रेक का यूज़ करना होता है सबसे पहले। अगर आप हाई स्पीड में बाइक को रोक रहे हो
तो सबसे पहले आपको थ्रॉटल रोल ऑफ करना होगा। सडन थ्रॉटल रोल ऑफ कर दो, देखो कि बाइक जो है अचानक से बाइक को एक पुश मिलता है पीछे की व्हील से इंजन की तरफ और बाइक जो है ऑटोमेटिकली थोड़ा स्लो होता है। एंड उसके बाद उसके तुरंत बाद आपको ब्रेक यूज़ करना है, कॉम्बी ब्रेक, रियर ब्रेक, देन फ्रंट ब्रेक, तो बाइक इफेक्टिवली रुकेगा। देखिए बस आपने कितनी जल्दी जल्दी जो है बाइक रुक गया एंड बाइक थोड़ा सा भी इधर उधर हिला नहीं, बाइक का व्हील जो है वो स्किड नहीं किया। पहले थ्रॉटल को रोल ऑफ करो, इंजन ब्रेक का यूज़ करो एंड देन जो है आप फ्रंट ब्रेक एंड रियर ब्रेक दोनों का यूज़ करो। सो नेक्स्ट जो गलती है दोस्तों वो है जब हम कॉर्नरिंग करते हैं, जब हम टर्निंग लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड में टर्निंग लेते हैं, उस कॉर्नरिंग करते वक्त हमें कभी भी जो है रियर ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो है दोस्तों बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि जब हम कॉर्नरिंग करते हैं बाइक जो है हमारा थोड़ा सा लीन पोजीशन में रहता है तो ग्रेविटी ऑफ एंगल जो है वो सीधा नहीं रहता है। सो इसके वजह से क्या होता है, उस टाइम अगर आप रियर ब्रेक का यूज़ करोगे तो पीछे का जो व्हील है उसका ट्रैक्शन लूज हो जाएगा। इस तरह के कॉर्नरिंग के टाइम अगर हम रियर ब्रेक का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो दोस्तों हम गिर जाएंगे। देखिए कितने एंगल से जो है बाइक लीन होता है, सिचुएशन में अगर हम रियर ब्रेक का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली जो है गिर जाएगी। सो किसी किसी सिचुएशन में जो है हम फ्रंट ब्रेक का यूज़ करते हैं जिसको ट्रेल ब्रेकिंग टेक्निक कहा जाता है, उसके बारे में डिटेल में वीडियो जो है जल्द ही आने वाला है ट्रेल ब्रेकिंग के बारे में। सो नेक्स्ट जो मिस्टेक है दोस्तों वो है जब हम टर्न ले रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं, स्लो स्पीड में हम यू टर्न ले रहे हैं, सो उस टाइम जो है हमें फ्रंट ब्रेक का यूज़ कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो चलिए मैं एक बार आप लोगों को करके दिखाता हूँ। मैं अभी यू टर्न लेने वाला हूँ राइट की तरफ, तो बाएं की तरफ थोड़ा सा काउंटर स्टीयरिंग करके मैं यू टर्न ले रहा हूँ एंड इस तरह की सिचुएशन में अगर हम ब्रेक दबा देते हैं तो डेफिनेटली हम गिर जाएंगे। सो फ्रंट ब्रेक का कभी भी इस तरह की सिचुएशन में यूज़ मत करो। ठीक है, जब आप यू टर्न ले रहे हो कभी भी यूज़ मत करो। अगर आपको लगता है कि बाइक का थोड़ा स्पीड स्लो हो रहा है तब थोड़ा सा रियर ब्रेक का यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ्रंट ब्रेक का यूज़ गलती से भी मत करना जब आप स्लो स्पीड में यू टर्न ले रहे हो, नहीं तो जो है आपको डेफिनेटली आपका बाइक गिर जाएगा या फिर जो है आपके पैर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, बाइक एक साइड जो है गिर जाएगा। सो देखिए मैं राइट की तरफ यू टर्न ले रहा हूँ। सो इस तरीके से दोस्तों यू टर्न लेना होता है। यू टर्न लेने के बारे में डिटेल में जो है दोस्तों मेरे चैनल में वीडियो दिया हुआ है, किस तरीके से मैंने पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सप्लेन किया है एंड करके दिखाया है किस तरीके से आपको यू टर्न लेना है। सो ये चीज़ आप वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। सो बात करेंगे दोस्तों सबसे आखिरी जो मिस्टेक है उसके बारे में, लेकिन ये जो है दोस्तों सबसे पहला मिस्टेक हो सकता है, वो है कि हम जब ब्रेक को यूज़ करते हैं अपने मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक को यूज़ करते हैं तो चार उंगली का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो न्यू राइडर है वो ये गलती करते हैं, फ्रंट फिंगर को, फ्रंट ब्रेक को चार उंगलियों से प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों जब हम चार उंगलियों से फ्रंट ब्रेक को प्रेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर डल जाएगा, क्योंकि फोर फिंगर का जो मसल पावर है वो हम सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते हैं और सडन ब्रेक कर बैठते हैं। तो हमेशा दोस्तों ख्याल रखना है आपको, फ्रंट ब्रेक जब आप यूज़ कर रहे हो तो या तो आप एक फिंगर से करो या फिर दो फिंगर से करो, इससे जो है आप प्रिसाइजली जो है प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग कर पाओगे। ठीक है, इससे आप एकदम बिल्कुल ही जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सडन ब्रेक आप अवॉइड कर पाओगे एंड आप जो है प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग, धीरे धीरे जो ब्रेक करना होता है वो आप कर पाओगे। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी मिस्टेक है, कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो हम लोग करते हैं जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं मोटरसाइकिल में। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ब्रेकिंग के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जल्द ही मिलते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन मॉडिफिकेशन वीडियो आने वाला है इस बाइक के रिलेटेड। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।